सामने कैमरा भी लगा हुआ है, प्लीज डोंट ट्राई मैम, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, हम सब क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट है हम बहुत। Hey guys, कैसे हो आप लोग, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होते हो, आपको और भी अच्छा करने लेके आई आपके रेट तक बहुत ही धमाकेदार वीडियो। सो गाइज, आज की वीडियो है वो प्रैंक वीडियो नहीं होने वाली, थोड़ी सी हेल्प की है जो लोग नीडी है, जिनको जरूरत है, आप चलकर वीडियो को देखो, बाकी वीडियो में बेस्ट पार्ट जो आपको लगे वो कमेंट करके बता देना। लव यू ऑल। जी हाय। हाय, आप 2 मिनट आके बात कर सकते हो? हाँ जी बोलिए। खोलना एक बार। यस। हेलो, हाय, मेरा नाम ब्रिट्स है, आपका नाम? शान। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये पीजी है ना? यस। ठीक है, बॉयज पीजी। तो आपसे थोड़ी बात करनी थी, मैं अंदर आ जाऊँ 2 मिनट के लिए? ओके। पीजी है? ओके, मतलब मेरा अंदाज़ा सही निकला, यहाँ पे ज़्यादा पीजीज है ना। एक्चुअली मेरा यूट्यूब पे चैनल है और मैं क्या कहते हैं कि मेरे पास ना बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम आप ना जाके लोगों की हेल्प करो। अब बात यह है कि आज के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में, आपको पता है सिचुएशन क्या चल रही है, सबसे ज़्यादा परेशान है जो रेंट पर रह रहे हैं। तो सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, एक्चुअली मैं सब घरों में जाके पूछ रही हूँ कि ये पीजी है या फ्लैट है, बट मेरे को पीजी वाले बॉयज़ गर्ल्स जितनी भी रह रहे हैं रेंट पर उनसे बात करनी थी। तो बात यह है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 2 मिनट ही आपसे बात करनी है। लाइक मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आजकल क्या चल रहा है रेंट का? रेंट का वैसे तो बस यही है कि लॉकडाउन की वजह से रेंट अरेंजमेंट तो हो नहीं पा रहा है। तो आपका रेंट कितना है? मैम 8000। 8000 है यार, विच इज़ वेरी हाई, है ना? तो आप कैसे मैनेज कर रहे हो यार, आपके पास घर से आ रहा है, मम्मी पापा भेज रहे हैं या फिर कैसे कर रहे हो? जी मैम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग तो हम स्टूडेंट हैं, हम यहाँ पे पढ़ने आए हैं, बट हम लोगों के घर से रेंट नहीं मिल रहा है, मकान मालिक रोज आके परेशान करता है। मैम रेंट तो अभी मैंने 3 मंथ से दिया ही नहीं है, क्योंकि ये अप्रैल से लॉकडाउन लगा हुआ है, फिर मई भी, अब जून चल रहा है, तो 3 महीने से तो दिया नहीं है। ऊपर से हमारे जो यहाँ के ओनर हैं वो आते हैं, रेगुलर ही आते हैं वो, हमें टोकते भी, प्रेशर भी डाल रखा उन्होंने कि रेंट कब दोगे, कितने महीने बाद दोगे, तो थोड़ा प्रेशर है उनकी तरफ से। हम लोगों को एक टाइम का खाना मिल रहा है मैम, हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो आप खाना वाना कैसे मैनेज कर रहे हो, राशन पानी सब कुछ? मैम समझ लीजिए, एक टाइम का खाना खा रहे, एक टाइम नहीं खा रहे, अभी का पता नहीं, बाद में का पता नहीं। मकान मालिक अभी आपसे बात कर रहा हूँ, आप चले जाओगे, फिर उसके बाद मकान मालिक आएगा, हमें बहुत बोलता है, कभी पानी काट देता है, कभी बिजली काट देता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब वो लोग किलसा नहीं निकाल रहे एक तरीके से कि पानी काट दिया और खाना वाना भी नहीं दे रहे सही से, बिल्कुल एक टाइम भी खाना नहीं खा रहे, तो आप मैनेज कैसे कर रहे हो यार? मैम कैसे कर रहे, फैमिली वाले रह नहीं रहे, मेरा कोई फ्रेंड नहीं यहाँ पे जिसे मैं जानता भी नहीं, किसी से हेल्प मांग रहा हूँ बट वो मेरे को हेल्प नहीं कर पा रहे, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई परेशान है, पैसों की हर किसी के पास दंगी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है। और क्या मैं जान सकती हूँ आपका रेंट है कितना वैसे? मैम वैसे तो 7000 है, बट सब कुछ मिला के वही 8000 कंफर्म हो जाता है मेरा। और खाने पीने का कैसे मैनेज कर रहे हो, राशन खुद लाते हो? एक ही टाइम, अब क्योंकि एक तो प्रेशर इतना ज़्यादा है रेंट का, ऊपर से मेरा जो अब खाना है ब्रेकफास्ट उन्होंने बिल्कुल कैंसिल कर दिया है। ओह शिट। और लंच में मैं ये बिलीव कर रहा हूँ लंच भी मेरा कैंसिल है, मैं नीचे जाके 2 एग लेके आता हूँ, थोड़ा बहुत इधर से झाल मुड़ी नमकीन बिस्किट इनसे काम चला रहा हूँ। तो आप इतने दिनों से ऐसे काम चला रहे हो, नमकीन और चलाना तो पड़ेगा, रेंट भी नहीं है मेरे पास, पीछे से मैं घर में भी नहीं मांग सकता मैम, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है। और बच्चे अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताते डर के मारे, क्योंकि पेरेंट्स ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। मम्मी पापा का कॉल आ जाता है तो मम्मी पूछते हैं कि कैसा है कैसा नहीं है, बट मेरे को झूठ बोलना पड़ता है मैम, कुछ नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मैम। आप इमोशनल मत हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक हो जाएगा जल्दी। वो कहते हैं ना ज़्यादा बुरे दिन चल रहे हो ना, तो इसका मतलब समझो अच्छे दिन आने वाले हैं। तो देखो ये है कि हम लोग हेल्पिंग वीडियोस भी करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। अब थोड़ा मैं यूट्यूब से जितना भी थोड़ा बहुत अर्न किया है मैं उसमें से अपनी सेविंग्स करके लोगों की थोड़ी सी हेल्प कर रही हूँ। और ठीक है, आप मेरे पास ना ज़्यादा नहीं है बट मैंने थोड़ी बहुत सेविंग्स की है। आपका कितना बताया आपने? 7000 है ना? 2-3 ये थोड़ी बहुत ज़्यादा मंथ्स की नहीं कर सकती, लेकिन 1 महीने का काम आपका चल जाएगा। तो प्लीज़ थोड़ा बहुत रेंट दे देना, ज़्यादा मत देना, और इसमें से थोड़ा बहुत खर्चा पानी रख लेना ताकि आप कुछ खा लो, क्योंकि यार कोरोना से तो पता नहीं लेकिन लोग भूखे ज़रूर मर जाएंगे। तो ज़्यादा मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन जितना भी है ना थोड़ी बहुत मैंने सेविंग्स की थी, लॉकडाउन में सभी परेशान है, तो जितनी सेविंग्स की थी। कितना रेंट है आपका? 7000।
पीछे मैं पिछले वाले घर में गई थी ना, तो उनका भी वो रेंट पे रहते, उनका भी 7 ही था, बहुत ज़्यादा यार 7000 भी सीरियसली, और आपको खाना भी नहीं मिल पा रहा है, और 3 महीने से आपने रेंट भी नहीं दिया है, तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत सेविंग्स थी मेरी यूट्यूब से जो मैंने। थैंक यू मैम। असल में क्या है, मेरे घर वाले भी, मैं फ़ोन कर, मतलब मैं फ़ोन भी नहीं कर पा रहा हूँ, उन्हें मेरे फ़ोन का रिचार्ज तक नहीं है। तरफ से ये समझ लो कि मैं आपकी बड़ी सिस्टर हूँ, और उसके तरफ से प्लीज डोंट ट्राई, और सामने कैमरा भी लगा हुआ है, प्लीज डोंट ट्राई। मैम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, हम सब क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। सब ठीक हो जाएगा, और सामने देखो कैमरा भी लगा हुआ है, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वीडियो यूट्यूब पे जाए? जी नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो बहुत दूर तक पहुँचे और ये लोग हमें देख पाए कि हम लोग इतने प्रॉब्लम में। बट मैम थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, प्लीज डोंट ट्राई, आप मेरे भाई जैसे हो। थैंक यू मैम, थैंक यू। लगा लो कि आपकी बहन जैसी हूँ, बड़ी बहन जैसी, और मैं अपने भाई को थोड़े बहुत खर्चा पानी दे रही हूँ, ये आप रख लो। थैंक यू मैम, थैंक यू, ये आप रख लो, इससे थोड़ा आप खा पी लेना, कुछ ले आना अपने लिए राशन वाशन, और प्लीज एक टाइम का खाना तो बिल्कुल मत खाओ, क्योंकि कोरोना से तो पता नहीं लेकिन लोग भूखे जरूर मर जाएंगे, इतना पक्का है, तो ध्यान रखना अपना। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू मैम। आप लोगों को वीडियो, आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट करके अपना बेस्ट पार्ट जरूर बता देना यार, और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, अपने प्रैंक आइडियाज, हेल्पिंग वीडियोस, जैसी जिस तरीके की आप वीडियोस चाहते हो, जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पे, या प्रोफाइल चल रहा होगा, जल्दी से जाके डीएम कर दो, होपफुली आपके उस कंटेंट्स पे हम वीडियोस लेके आएंगे, और प्यारी प्यारी बाकी अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेगी। लव यू ऑल।